हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई दवा के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर में लिया हुआ है यूट्रेटोन दवा को, जो कि आप लोग जानते होंगे कई सारे पशुपालक भाई हमारे, कि यूट्रेटोन दवा कहाँ पर यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो समय चल रहा है, यहाँ पर पशु की जो ब्याथ है वो चल रही है, पशु ब्या रहा है। तो अगर पशु ब्या रहा है तो उस समय अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या चीज़ें होती हैं, तो ब्याथ के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जेर सफाई के टॉनिक या जेर सफाई के सीरप, या हम लोग कहें गर्भाशय सफाई के सीरप या गर्भाशय सफाई के सीरप। तो आज उन्हीं में से, या हम लोग कहें जेर गिराने वाले बेस्टेस्ट दवाओं में से एक यूट्रेटोन लिक्विड, जो कि कैटल रेमडीज का प्रोडक्ट है, आज हम लोगों ने उसके बारे में यहाँ पर बात करी हुई है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि जो यूट्रेटोन है ये है क्या, ये किस प्रकार का चीज़ है, तो ये इकोबोलिक एंड यूट्राइन टॉनिक, मतलब ये प्रजनन संबंधित रोगों के लिए दवा है, जहाँ पर जो लोगों के पशुओं में जो जेर फंस जाती है उसको निकालने का काम होता है, या बच्चेदानी में कोई संक्रमण हो गया उसको दूर करने का काम के लिए ये दवा उपयोग की जाती है। पैकिंग की बात करें दोस्तों, तो अगर आपका पशु बड़ा है तो आपको लगभग 900 ml की पैकिंग लेना चाहिए। अगर आपका पशु छोटा है तो आप 450 ml की पैकिंग भी ले सकते हैं, इससे छोटी पैकिंग 225 ml की भी आती आप लोग ले सकते हैं। जो 900 ml की जो MRP है वो 360 है, और जो 450 ml ये जो छोटा वाला पैक है इसकी MRP 207 रुपये है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं। डोज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, डोज जो रहेगी वो 100 ml सुबह से 100 ml शाम रहेगी। अगर आपका पशु बड़ा है तो आप 100 से 150 ml सुबह और 100 से 150 ml शाम की डोज रख सकते हैं। अगर आपका पशु में, जैसे हम लोग कहें कि बड़े पशु में जैसे गाय या भैंसें हो गई, और छोटे पशुओं में जैसे बकरी या हम लोग कहें कि भेड़ हो गई, तो उनको जो दवा देनी है वो 20 से 40 ml की दवा देनी है। वो दवा की खुराक सुबह और शाम रहेगी। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक दवा है, इसको पिलाने से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो भी हमारे भाई बांस की पत्ती या हम लोग कहें और भी जो चीज़ें हैं, तेल है, ये सब चीज़ें देते हैं, गुड़ देते हैं, लगभग अपना 500-600 रुपये खर्चा कर देते हैं, तो अगर वो न देना चाहें तो वो इसे भी दे करके उतना ही रिजल्ट अच्छा पा सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। या अगर आप देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका पशु और अच्छा रहे, तो आप वो भी दीजिए और ये भी दे सकते हैं। तो ये जो ज़रूर देना है, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो कई सारे फ़ायदे हैं, तो अभी हम लोग उन फ़ायदे के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहाँ पर मदद करती है? सबसे पहले जेर सफाई करने में मदद करती है। मगर मतलब अगर आपके पशु में आंवर फंस गई है या जेर फंस गई है या झर फंस गई है, तो उसको बाहर निकालने में, या हम लोग कहें उसको गला गला कर सड़ा सड़ा कर बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए आंवर कहीं पर चिपकी हुई है, उसको भी क्या करेगी, एक्सपल्शन के थ्रू हम लोग कहें बाहर की ओर धकेलेगी, और उसके बीच के जो बॉन्ड हैं, जो प्लेसेंटा और यूट्रस के अंदर के लाइनिंग्स के जो जॉइंट्स हैं, जो जहाँ चिपक गई है वो आंवर, उसको भी निकालने में मदद करते हैं। उसके बाद अगर आपके पशु के गर्भाशय में अगर आंवर रह गई है, या कोई आपने मान लीजिए बच्चा निकलवाया है अपने पशु का, तो कोई बाहरी कण चला गया है बाहर से, जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। डॉक्टर साहब सभी लोग जानते हैं कि फॉरेन पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। तो देखिए, बच्चेदानी जो है वो फॉरेन पार्टिकल को रिसीव नहीं करती है, और वो तुरंत क्या करती है, वहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बच्चेदानी के संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, या हम लोग कहें जो बच्चे जाने का संक्रमण है वो बढ़ जाता है। ज़्यादातर जब नए या ब्याह पशु होते हैं तो उस समय जो संक्रमण का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय ही काफ़ी मात्रा में हार्मोनल चेंज होता है, पशु की जो इम्यूनिटी वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन्स जो हैं, वो स्मूथ मसल्स हैं, वो रैप्चर हो जाती हैं, या हम लोग कहें उन पर भी कोई फॉरेन पार्टिकल टच कर गया, वो रह गया, उसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से आपने बहुत सारे डॉक्टर साहब लोगों को अलग अलग बीमारियों को नाम
देते हुए सुना होगा, जैसे इंडोमेट्रियम या इंडोमेट्राइटिस जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इंडोमेट्रियम में मगर इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग उसको एंडोमेट्रियम, फिर मेट्राइटिस, उसके बाद आपने पायोमेट्रा भी सुना होगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बन जाती हैं या बनने की शंका रहती है, तो आप ये दवा दे सकते हैं, तो वहाँ पर ये जो शंका है या जो बनने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद यूट्रस को क्लीन करती है। देखिए, यूट्रस जब अच्छे से क्लीन हो जाएगा तभी वो अगली बार क्या करेगा, कंसीव करेगा, या जानवर आपका समय से हीट में आएगा या उसकी जो गर्मी में आने की दर है वो समय पे आए। अगर मान लीजिए आपने कोई अच्छा यूट्राइन टॉनिक नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपके पशु के जो बच्चेदानी है वहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल या हम लोग कहें कि जो प्लेसेंटा है जो कुछ रह गया हो, तो उसके कारण कुछ इन्फेक्शन बन गया हो वो, और वो इन्फेक्शन किसी कारण उस वहाँ बच्चेदानी में सूख गया हो, या हम लोग कहें कि वो इन्फेक्शन वहाँ पर बना रहा, जिससे आप काफ़ी परेशान हो गए, आपका पशु रिपीट ब्रीडर हो गया। रिपीट ब्रीडर मतलब आप लोग बार बार अपने पशुओं में क्या करवा रहे हैं, सीमन डलवा रहे हैं, मगर आपका पशु रुक नहीं रहा या आपका पशु हीट में ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये दवा देते हैं तो इस प्रकार के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम लोग कहें कि जब जानवर ब्याता है दोस्तों, तो क्या होता है कि उसका थोड़ा सा खून निकलता है, उसको थोड़ा सा कमजोरी आती है, उसको थोड़ा सा भूख भी कम लगती है, क्योंकि लीवर और रूमन उसका दबा हुआ था, तो उसकी वजह से उस पशु को थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। उस स्ट्रेस की वजह से वो जो जानवर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन फेस करता है ब्याह के समय में। जनरली आप लोग नहीं सफ़र करते हैं क्योंकि वो जानवर, उसको इतनी सुविधाएँ नहीं है तो वो अपना मैनेज कर लेता है, मगर कई सारे पशुपालक भाई ने देखा होगा कि उनका जानवर किस इस प्रकार से फील करता है। तो दोस्तों, यूट्रेटोन में जो एडवांटेज पड़ा हुआ है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है कि फेरस सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फेरस सल्फेट क्या करेगा, उसको तुरंत जो एनीमिया है या हम लोग कहें आयरन रिलेटेड एनीमिया हो गया है उसको भी दूर करेगा, और रक्त की मात्रा को क्या करेगा, समुचित रूप से रखेगा पशु के शरीर में, आपकी रक्त की कमी नहीं होने देगा। और दूसरा कॉपर सल्फेट जो है वो क्या करेगा, कृमिनाशक भी है पहला, और दूसरा क्या है कि ये जो है एक प्रकार से भूख को जगाने में मदद करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पशु को जो आपके पशु का जो समय है वो क्या होगा, बच जाएगा, और आपका पशु अच्छे दूध में आ जाएगा और अच्छा सा उसका स्वास्थ्य आ जाएगा, और पूरा शरीर उसकी जो उसकी क्लीनिंग है, ओवरहॉलिंग है, वो हो जाएगी, और यूट्रस की मेन क्लीनिंग होगी यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों पे आप लोग दे सकते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो लेक्चर यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, मगर ये इसका जो नाम है ये यूटेरेटोन है, और इसको यूटेरेटोन करके भी लिखा जाता है, यूटेरेटोन आप लोग इसको देख सकते हैं, यूटेरेटोन। इसमें नाम के आगे आर लगा हुआ है, आर मतलब रजिस्टर्ड है, मगर मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो जेनेरिक हैं, या हम लोग कहें उनकी जो क्वालिटी है वो लो है, मगर वो सेम इसी पैकिंग में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो ज़्यादातर क्या है कि भैया हमको वो लाल वाला डिब्बा दीजिए। तो आपको देखिए, आप तो सोच रहे हैं कि आप अच्छा ले रहे हैं, मगर वहाँ पर आपको चीज़ अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो आपको ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिनल यूटेरेटोन की क्या पहचान है, मैं वो कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको यूटेरेटोन जहाँ पर लिखा है वहाँ पर एक छोटा सा ऊपर गोले में आर या आर लिखा होगा और गोला बंद होगा, पहला निशान वो हो गया। दूसरा यूटेरेटोन की ओरिजिनल की पहचान है कि 50 लिखा होगा, 50 दूसरा पहचान। तीसरी पहचान कि वो स्कैनर यहाँ पर लगा है, ये तीसरी पहचान है। और चौथी पहचान क्या है कि ये क्या है, इसमें सिल्वर प्लेट लगी है जो चमकीली है, ठीक है, ये चौथी पहचान। और पांचवी पहचान क्या है, ये कैटल लैंडीज का है, ये पांचवी पहचान। तो आप ओरिजिनल लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आप गुमराह मत होइए। और जो भी हमारे मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, जो नए मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो आप लोग अच्छा सामान करिए, दीजिए हमारे पशुपालक भाइयों को, क्योंकि देखिए जानवरों का इलाज कोई नहीं करवाता है, और आप लोगों के जो लोग करवा रहे हैं इलाज, तो उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी जागरूक होइए, पशुपालक भाइयों भी और मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों भी, आपको यहाँ भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा और ब्रांडेड मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।